नमस्कार, खबर झज्जर से। कर्नाटक चुनाव परिणाम पर कृषि मंत्री ओपी धनखड़ का बयान। कर्नाटक चुनाव परिणाम में रखी गई हरियाणा में भाजपा की दोबारा सत्ता वापसी की बुनियाद। कांग्रेस पर ली चुटकी, कहा चुनाव परिणाम आने से पहले ही जेडीएस को समर्थन देना दर्शा रही है कांग्रेस की कमजोरी। हुड्डा के ईवीएम की बजाय बैलेट पेपर के चुनाव होने के बयान पर भी कृषि मंत्री ने किया पलटवार, कहा बीजेपी की बढ़ती शील देखते ही इनको याद आने लगते हैं बैलेट पेपर। मुख्यमंत्री के विदेश दौरे पर सवाल खड़े करने वाले विपक्ष पर भी ली चुटकी, कहा विपक्ष काम है बोना, कम से कम उनके ये हक तो नहीं छीनना चाहिए। प्रदेश में बन रहे गठबंधनों पर बोले मंत्री, कहा गठबंधनों से नहीं पड़ेगा फर्क, पहले जीतेंगे लोकसभा फिर जीतेंगे हरियाणा। कर्नाटक चुनाव में परिणाम में हरियाणा के नेताओं ने भी उथल पुथल मचा दी है। इस तरह यहाँ बीजेपी के नेता सबसे ज्यादा सीट लेकर आते हैं तो वही कांग्रेस जेडीएस के समर्थन के बाद उत्साहित है। सूबे के कृषि मंत्री ओपी धनखड़ ने कर्नाटक चुनाव के परिणाम पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि ये परिणाम दर्शा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जादू बरकरार है। इतना ही नहीं, इन चुनाव परिणामों में हरियाणा में बीजेपी की दोबारा वापसी की मोहर लगा दी है। कृषि मंत्री जी मंगलवार को झज्जर में अपने निवास स्थान पर चुनाव परिणाम के बाद खुशी के लड्डू बांट रहे थे। वह कार्यकर्ता को गुलाल लगाकर खुशी का इजहार कर रहे थे। धनखड़ ने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कांग्रेस पर प्रहार करते हुए कहा कि कर्नाटक के चुनाव परिणाम पूरी से आए भी नहीं थे और कांग्रेस समर्थन देने जेडीएस के पास पहुँच गई, ये समर्थन बीजेपी की कमजोरी दिखा रहा है। धनखड़ ने कहा कि हुड्डा साहब के बैलेट पेपर के चुनाव होने के बाद परिणाम कुछ और होने बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी की जब भी सीट बढ़ती दिखती है तो ये लोग ईवीएम पर सवाल खड़े करने लगते हैं। अगर ईवीएम में गड़बड़ी होती तो पंजाब चुनाव के परिणाम भी बीजेपी के हक में होते। जजेस से चैनल लाइव के लिए सुमित कुमार की स्पेशल रिपोर्ट।